नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाखेला। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से बेहद परेशान है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा साबित हो रही है, वहीं अब तीसरी लहर के संकेत ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। कोरोना ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि तीसरी वेव मासूम बच्चों पर कहर बनकर टूटेगी। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल ये उठ रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए कैसे तैयार रहें और अपने मासूम बच्चों को इससे कैसे बचाएं, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं। लेकिन ख्याल रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कुछ भी ना करें, कोई इलाज ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें। आपके हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस से जुड़ा हुआ अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का समाधान मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, डॉक्टर वरुण विज हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर वरुण, बहुत स्वागत है आपका और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया भी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर कि दूसरी लहर वैसे ही बहुत कहर बरपा रही है, अब तीसरी लहर आने ही वाली है, इसके संकेत भी मिल चुके हैं। कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, कैसे उनका ख्याल रखें? थैंक यू दीपा, सबसे पहले मेरे को अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मेन कंसर्न जो इस वक्त हमारा है वो कोविड इन्फेक्शन की वजह से ही है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कोविड कोविड ही कोविड हो रखा है। यस, आप ठीक है कि अभी सेकेंड लेयर चल रही है, उसके बाद थर्ड राउंड की बारे में भी बात बहुत हो रही है एंड बच्चे इस बार भी वेव में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं एंड आगे भी हमें लगता है कि उनका इफेक्टिवनेस बहुत होगा उनको इस डिजीज की वजह से। ऐसा नहीं है कि वो इस वेव में इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए हैं। इस बार भी हमने बहुत ज़्यादा बच्चे देखे हैं जिनके अंदर कोविड इन्फेक्शन का संक्रमण हुआ है। बट एक अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो घर पे ही ठीक हो गए हैं। बहुत ही कम प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनको हमें भर्ती करना पड़ा है। आगे उनका देखरेख कैसे करना है और आगे उनका ख्याल कैसे करना है, तो अभी हमें SMS की प्रतिक्रिया हमें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। SMS मींस सैनिटाइजेशन, मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमें अभी आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा कुछ आगे लंबे टाइम तक, सो दैट हम उनको सेव कर सकें। ठीक डॉक्टर, बच्चे कुछ बता भी नहीं पाते ना समझा पाते हैं, तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो कैसे अंदाजा लगाएं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें कोरोना का अटैक हो चुका है या फिर कोरोना से वो संक्रमित हो चुके हैं, ये अभिभावक कैसे पता लगा सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए? देखो, इस बार जो हमने इस सेकेंड वेव में देखा है कि पूरी पूरी फैमिलीज इफेक्ट हुई हैं बिकॉज ऑफ द कोविड इन्फेक्शन। अगर फैमिली के अंदर एक या दो मेंबर पॉजिटिव हैं तो देखा गया है कि सभी को ही कुछ ना कुछ लक्षण आए हैं। बच्चों में भी लक्षण एडल्ट्स वाले ही हैं मेजरली, फीवर, कफ, कोल्ड, जुकाम, खांसी, इन्हीं सब सिम्टम्स के साथ में बच्चों ने भी प्रेजेंट किया है। कुछ बच्चों ने प्रेजेंट किया है विद लेथार्जिनेस, रिफ्यूजल टू फीड्स, इन सब सिम्टम्स के साथ में। एंड देन इस बार कुछ पर्टिकुलर सबसेट्स ऑफ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया है हैविंग GI सिम्टम्स, जो कि डायरिया, वॉमिटिंग, जो कि लास्ट वेव में ऐसा नहीं था। इस बार की सिम्टमेटोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंट है और इस बार की सिम्टमेटोलॉजी में इसलिए भी थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इस बार का जो स्ट्रेन है वो थोड़ा ज्यादा विरुलेंट है। अगर उसने घर में एक इंसान को इफेक्ट किया है तो देखा गया है कि सारी सारी फैमिली पॉजिटिव आई है उस घर के अंदर। ठीक है डॉक्टर, लेकिन बहुत सारे जो दर्शक हैं वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि बच्चों में जो इन्फेक्शन हो रहा है या फिर जो बच्चे कोविड की जद में आ रहे हैं वो किस उम्र के बच्चे हैं, मोस्टली कैसे बच्चे हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में हैं, और वो कौन से बच्चे हैं जिनमें माइल्ड सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, वो ज़्यादा गंभीर नहीं हो रहा, उनमें कोविड ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था 10 दिन का बच्चा भी कोविड से संक्रमित पाया मिला है, वो भी एक चिंता वाली बात है, तो वो कौन कौन से बच्चे हैं जो ज़्यादा इसकी जद में आ सकते हैं? राइट, सो दीपा, ऐसा है कि इस बार की जो वेव में हमने देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, तो इस बार का जो एज ग्रुप भी रहा है बच्चों का वो भी बहुत ही वेरिड रहा है। हमने खुद अपने हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चे एडमिट किए हैं
वो 12 दिन का बच्चा भी एक एडमिट किया है एंड जो 3 महीने का बच्चा भी एडमिट किया है, 1 साल के बच्चे भी एडमिट किए हैं, 8, 10, 12 हर साल के बच्चों को कोविड संक्रमण हुआ है. अच्छी बात अभी भी यही है कि 90-95% के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी है. बहुत सारे बच्चे घर पे ही ठीक. 5% ऑफ द बच्चों को हमने एडमिट करने की जरूरत पड़ी है क्योंकि उनके अंदर फीवर बहुत ही ज्यादा आ रहा था. छोटे बच्चों को हमने इसलिए एडमिट करना पड़ा क्योंकि उनका मुंह से जो उनको खुराक चाहिए और जो उनको लेना चाहिए अपना पौष्टिक आहार वो नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ हाई ग्रेड फीवर. किसी किसी को खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो हमें उन बच्चों को भर्ती करना पड़ा है. इस बार की इस वेव में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी प्रेग्नेंट मदर्स को भी कोविड हुआ है. तो जब वो डिलीवरी के लिए आए हैं तो देवर कोविड पॉजिटिव. हालांकि जब हमने जब नवजात शिशु का जब हमने जब टेस्ट किया तो अभी तक हमें एज सच कोई भी कोविड पॉजिटिव बेबी नहीं मिला है फ्रॉम द कोविड पॉजिटिव मदर. बट यस, अभी वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स हैं और इंडिया में भी रिपोर्ट्स हैं कि माँ के गर्भ से भी ट्रांसमिशन हो सकता है कोविड वायरस इन्फेक्शन. ठीक है, तमाम बातों का ख्याल रखना है, बहुत जरूरी है. डॉक्टर, अलग अलग उम्र के बच्चों को अलग अलग तरह की सावधानियां बरतनी होंगी या फिर सभी के लिए सावधानियां एक जैसी हैं? देखिए, छोटे बच्चों को तो हमें हेल्प करना पड़ेगा. जो बच्चे खुद समझ सकते हैं उन्हें हमें समझाना पड़ेगा कि हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है. अगर बहुत ही ज़रूरी है बाहर निकलना तो वो मास्क पहन के निकलें और इस वक्त तो डबल मास्क पहन के निकलें. हालांकि अवॉइड करना चाहिए कि अभी कहीं पे बाहर निकलना. स्कूल्स इस वक्त बंद ही हैं. कोई भी पार्टीज़ या बर्थडे पार्टीज़ या कोई भी अदर फंक्शंस अभी हमें अवॉइड करने हैं. एंड हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है. ये बचपन से ही हमें बच्चों को सिखाना शुरू कर देना चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ COVID-19 बट अदर इन्फेक्शन से बचने के लिए भी. जहाँ तक छोटे बच्चों का और सवाल है जो कि ज़्यादातर मदर की फीड्स के ऊपर है, हमें कंटिन्यू करवाना उनको ब्रेस्ट फीडिंग. इवन इफ अगर मदर इन्फेक्टिव भी है कोविड इन्फेक्शन की तब भी वो सेफली बच्चे को फीड कर सकती हैं बाय यूजिंग अ डबल मास्क और हैंड वॉशिंग. बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए. जो छोटे से बच्चे हैं उनकी सावधानी खुद पेरेंट्स को रखनी होगी. डॉक्टर, ये भी कहा गया कि 2 साल से छोटे उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैसे भी मास्क नहीं पहनना है, उनकी सावधानी और भी ज़्यादा करनी है. ये बहुत जिम्मेदारी है पेरेंट्स पर भी. और जो बड़े बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखना है क्योंकि सावधानी बरतेंगे तो ही कोविड से बच सकते हैं. सबसे बड़ा सवाल इस वक्त डॉक्टर इस बात का है कि बच्चों की इम्यून पावर को कैसे मजबूत करें. अगर इम्यून मजबूत होगा तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे. तमाम शोध में भी, रिसर्च में भी इस बात का दावा किया गया. अब सवाल ये कि इम्यून पावर को कैसे मजबूत करें बच्चों? सुदीपा, बिल्कुल ठीक बात है कि इम्यूनिटी का ही सारा ये गेम है कोविड इन्फेक्शन का. अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमारा ये डिजीज से लड़ने की शक्ति हमें उतनी ज्यादा मिलेगी एंड वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस डिजीज. अब इम्यूनिटी कैसे अच्छा करना है? देखो, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं लेस देन 6 मंथ्स, उनको तो हमें मदर को ये कहना है कि वो ब्रेस्ट फीड्स के ऊपर कंटिन्यू करें. जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीड्स करवाएंगे उतना ज़्यादा बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी. ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और ऐसे और तत्व भी होते हैं जो कि बहुत सारे इन्फेक्शन को लड़ने में हेल्प करते हैं. जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनको भी ब्रेस्ट फीड्स कंटिन्यू करेंगे बट साथ में उनका पौष्टिक आहार का ख्याल करना है, हाइजीन का ख्याल करना है, हैंड वॉशिंग का ख्याल करना है. जो भी उनका केयर टेकर है, केयर गिवर है, उनको अपने हैंड वॉशिंग अच्छे से करने हैं ताकि हम ऊपर से उनको कोई और इन्फेक्शन ना दें. अगेन, इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई बहुत ही साइंटिफिक नुस्खा नहीं है. अगर घर का अच्छा पौष्टिक आहार लेंगे, साफ सुथरा, तो बच्चे की इम्यूनिटी अपने आप डेवलप होगी. जितना जंक फूड को अवॉइड करेंगे, जितना हम बाहर के फूड को अवॉइड करेंगे, हमारी इम्यूनिटी उतनी अच्छी बनेगी. और अगर हम लोग अपना ख्याल करेंगे तो बच्चे भी हमें फॉलो करते हैं और वो भी अपना ख्याल अपने हिसाब से रखेंगे. बिल्कुल, एक्सरसाइज बच्चों को करवाते रहें, खान पान का ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है जिससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, इम्यून पावर मजबूत रहेगा. डॉक्टर रेखा जी हैं सीकर से, उनका सवाल आपसे है अपने बच्चे के लिए. वो पूछ रही हैं कि उनका बच्चा है 4 साल का, वो ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन गले में थोड़ी सी खराश हो रही है 2 दिन से और हल्की सी खांसी भी है. ऐसे में क्या वो कर सकते हैं?
सो देखो ऐसा है कि अगर घर में आप सब ठीक हैं तो जरा सी गले की खराश में और खांसी के लिए कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये इस वक्त बहुत ही ड्राई वेदर सीजन चल रहा है जिसकी वजह से गले में खुश्की हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत खराश और खांसी रह सकती है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, घरेलू नुस्खे अपनाएं, थोड़ा गुनगुना पानी उसको पीने के लिए दें एंड उसका फीवर चेक करते रहें। अगर कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं है तो ऐसे इन्फेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है उसके अंदर, तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हल्की सी खांसी है या फिर खराश है तो घर में ही जो सावधानियां हैं वो बरतिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि किन केसेस में अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, कैसे पेरेंट्स से अंदाजा लगाएं कि अब बहुत देर हो चुकी है, डॉक्टर के पास जाना है? क्योंकि बहुत जगह पर ऐसी भी केसेस रिपोर्ट की गई हैं जहाँ पर लापरवाही बरती गई, जो माइल्ड दिख रहा था वो सिवियर हो गया। किन परिस्थितियों में डॉक्टर के पास जाना होगा? ठीक बात है। सो जो हम कुछ रेड फ्लैग साइंस कहते हैं, अगर वो रेड फ्लैग साइंस बच्चों में मौजूद हैं तो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाना है। सबसे पहला, अगर हाई ग्रेड फीवर 101, 102 अगर 5 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है एक बच्चे के अंदर, तो प्लीज़ हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर से मिले। दूसरा चीज़, अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है या खांसी बहुत ही ज़्यादा हो रही है कि बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है, तो हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तीसरा, अगर बच्चे का पसलियां चल रहा है या सांस बहुत तेज चल रहा है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, तो तब हमें हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। चौथा, अगर साइनोसिस या ब्लूश डिस्कलेशन, नीलापन आ रहा है अगर होठों पे या फिर टंग पे, तो हॉस्पिटल तो ये कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, तो आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। पांचवा, अगर बच्चा बिल्कुल ही कुछ खा पी नहीं रहा है या फिर उसका यूरिन आउटपुट बहुत ही कम हो गया है बिकॉज ऑफ लेस इनटेक, तो प्लीज हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। अगर तेज बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जैसे कि डॉक्टर आप कह रहे हैं, तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें, वो जो कह रहे हैं उसी के बाद फिर आगे बढ़ें। डॉक्टर कमलेश प्रजापत हैं, वो सवाल आपसे कर रहे हैं कि कोरोना में ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण क्या हैं। ये आम से सवाल वो पूछ रहे हैं, ब्लैक फंगस से रिलेटेड है। बच्चों में भी क्या इसका खतरा है? अगर है तो किस तरीके से इससे बच सकते हैं? देखिए, ये फंगल इन्फेक्शन किसी भी बीमारी में हो सकता है। ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन तब होते हैं जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है। कोरोना वायरस भी एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारे इम्यून सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, हमारी इम्यूनिटी को कम कर रहा है, और तब फंगस जैसे अदर अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं बॉडी के अंदर। हाँ, कुछ केसेस में खतरनाक हो सकते हैं। इनके कुछ सिम्टम्स ये होते हैं कि परसिस्टेंट हेडेक रहना, या फिर ब्लरिंग ऑफ द विजन, धुंधलापन दिखाई देना, या फिर नज़र का बिल्कुल ही चले जाना, फिर कई लोगों को नाक बंद परसिस्ट करता जा रहा है, या फिर बिल्कुल ही स्मेल नहीं आ रही है, या फिर किसी को ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में, जब वो ठीक हो जाए या फिर जब वो एक्टिव कोविड इन्फेक्शन के अंदर हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर अगेन हमें हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, कुछ और टेस्ट करवाने की जरूरत है ताकि हम पता लगा सकें कि वाकई में कोई ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं। डॉक्टर, एक कंफ्यूजन है इनको, ये पूछ रहे हैं कि इसके शुरुआती जो लक्षण हैं वो किस तरीके के होंगे, और साथ ही अगर आसपास इनके 2-3 लोग हैं जो इस इन्फेक्शन से ग्रसित हैं, ब्लैक फंगस से ग्रसित हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या उनको भी खतरा है इससे? देखो, ब्लैक फंगस एज सच कोई संक्रमित नहीं है, जैसे COVID-19 का इन्फेक्शन है। कोविड इन्फेक्शन जो है वो सांस से या फिर छींक से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन एज सच एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं होगा। अगर इनके आसपास किसी को म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस हैं, ब्लैक फंगस के केसेस हैं, तो इनको एज सच नहीं हो सकता है अनलेस एंड अंटिल इनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, तो उस वे में ये ठीक है। बट हाँ, शुरुआती लक्षण यही होंगे, हेडेक, ब्लर्ड विजन, नोज ब्लॉकेज, या फिर ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। ठीक, डॉक्टर शौर्य हैं जयपुर से, वो अपने भतीजे के लिए सवाल आपसे कर रहे हैं कि उनका भतीजा है 3 साल का, उसको लूज मोशन भी हो रहा है और कुछ खा भी नहीं रहा, ये किस वजह से हो सकता है, क्या वजह, डॉक्टर से कंसल्ट उनको करना चाहिए? देखिए, सिर्फ लूज मोशन हो रहे हैं और बच्चा अदरवाइज ठीक है, बच्चे का ओरल इनटेक ठीक है, बच्चा यूरिन ठीक से कर रहा है, तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगेन, घरेलू नुस्खे अपनाएं, घर में उसका जो इलाज हो सकता है वो संभव है वो करें। अगेन, हाइजीन के ऊपर ख्याल दें। अगर लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो ORS का घोल पिलाएं उसको। ओरल इंटेक देखते रहें। अगेन, इसमें भी रेड फ्लैग साइंस यही रहेंगे कि अगर ओरल इंटेक बहुत कम है, यूरिन आउटपुट बहुत कम है,
और बच्चे का पर्ज रेट मतलब कि लूज मोशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ओरल इंटेक बहुत ही कम हो रहा है, तो हाँ इनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। अगर डिहाइड्रेशन के कोई भी सिम्टम्स रह जाते हैं तो इनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। ठीक, डॉक्टर राजू राम है राजल देसर से, वो सवाल आपसे कर रहे हैं कि बच्चों को गर्म पानी पिलाते रहना, इससे कोविड से क्या वो बच सकते हैं? और धूप में बच्चों को बिठाए रखने से, धूप देने से सुबह सुबह, वो कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा क्या कोविड से बचने में? नहीं जी, दोनों चीजों से कोई फायदा नहीं होगा। धूप का ये फायदा है कि हाँ विटामिन डी मिलता है, लेकिन सिर्फ धूप में आधा घंटा सुबह बैठ जाने से आपकी विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस वक्त हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हाँ अपनी डॉक्टर की राय पे विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन लिए जा सकते हैं, जो आपका बच्चे का डॉक्टर है वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा इस चीज के लिए। अगेन, सिर्फ गर्म पानी पीने से कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा ये कहना बिल्कुल गलत है। हमें अगेन कोविड अवॉइडेंस बिहेवियर को फॉलो करना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया कि सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, मास्किंग, बाहर सोशल इंटरेक्शंस अभी नहीं करने हैं। इन सब चीजों से अगर आपका बचाव रहेगा तभी आप कोविड इन्फेक्शन से बच पाएंगे। सिर्फ गर्म पानी पीने से या फिर धूप में बैठने से ऐसा नहीं होगा कि कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता। डॉक्टर, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके साथ छोटे छोटे अगर बच्चे हैं तो वो किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, कैसे वो अपने बच्चों को सेफ रखें? तब जब ये कहा जा रहा है तीसरी वेव आएगी तो बच्चों में सबसे ज्यादा खतरा इसका होगा, जो होम आइसोलेशन में है वो कैसे बच्चों को सेफ रखें? देखिए, अगर मदर नहीं कोई और फैमिली मेंबर अगर बच्चे का है और वो कोविड इन्फेक्शन से संक्रमित है तो अगेन उनको होम आइसोलेशन में अपने आप को रखना पड़ेगा अगर उनकी तबीयत ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, दैट इज 14 डेज। वो अपने घर में अपने कमरे के अंदर ही रहेंगे, अपना अंदर हाइजीन का अपना खुद ख्याल करेंगे, बाहर उनको खाने पीने के लिए सप्लाई जो उनके दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो देते रहेंगे, अपने छोटे बच्चों से या दूसरे फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रखेंगे। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की जरूरत है, अगर आप स्ट्रिक्टली आइसोलेशन बिहेवियर फॉलो करेंगे तो आपके बच्चों में इस बीमारी का संक्रमण नहीं होगा, वो बचाव होगा उनका इस चीज से। ठीक है डॉक्टर, पोस्ट कोविड बच्चों को किन किन बातों का ख्याल रखना है? बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसको लेकर चिंतित होते हैं कि कोविड हो गया उसके बाद निगेटिव भी हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे केस ऐसे भी आए जब बच्चे फिर से पॉजिटिव हो गए। कौन कौन से वो एहतियात हैं जो पेरेंट्स को बरतने होंगे पॉजिटिव से निगेटिव होने के बाद? देखिए, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कोविड इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, वो बॉडी के ऊपर बहुत ही उसका बुरा असर पड़ता है। इम्यूनिटी तो डाउन होती है, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। सो बीमारी के दौरान बच्चे बहुत ही एरेटिक बिहेव करते हैं और उनका जो ओरल इनटेक है, जो उनकी न्यूट्रिशियस इनटेक है, वो ऑलरेडी कम हो जाती है। बीमारी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिशियस इनटेक भी कम हो जाती है, तो इम्यूनिटी और ज्यादा असर पड़ती है। एक बार जब बच्चे ठीक हो जाएं तो अगेन उनकी डाइट के अंदर हमें देखना है कि हम उनको पौष्टिक आहार दें, हाइजीन का फॉलो करें, अगेन हैंड वॉशिंग इज अ मस्ट, और जो भी हम उनको पौष्टिक आहार दें अगेन जंक फूड की तरफ नहीं जाना है। जितना भी घर पे हमें हो सके साफ सुथरा खाना बनाएं और एक कंप्लीट मील देना है जिनके अंदर उसका हाइड्रेशन का ख्याल करना है, जिसके अंदर हम उनकी वाटर इनटेक, जूसेस, फ्रूट्स, सारे के सारे जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं साफ सुथरे तरीके से उनको काट के देने हैं, एंड पूरा पौष्टिक आहार, चाहे वो दालें हो, आहार हो, वो पूरा उनको सप्लाई करना है ताकि बच्चे की इम्यूनिटी दोबारा बने, उनके अंदर जो न्यूट्रिशन इनटेक की जो कमी आई है उनको हम दोबारा हमें भरपाई करनी है। ठीक है, खान पान का कोविड से ठीक होने के बाद भी खान पान का बहुत ख्याल रखना है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि इम्यून अगर मजबूत होगा तो कोविड से बच्चे बचे रहेंगे, उनको कोई खतरा नहीं होगा। डॉक्टर याशी मिश्रा हैं, उनका सवाल आपसे है कि अगर बहुत तेज बुखार हो, गले में दर्द हो, स्वेलिंग हो, तो उनको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? किस वजह से हो रहा होगा, क्या करें? देखिए, बहुत तेज बुखार, गले में दर्द, गले में आप स्वेलिंग बता रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई गले का इन्फेक्शन हो रहा हो। अगेन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और अपने डॉक्टर से आपको संपर्क करना पड़ेगा। अगर वो कहेंगे कि आपको आके दिखाना है, ओरल एग्जामिनेशन करना है, तो वो देखेंगे, अदरवाइज वो आपको फोन पे टेली कंसल्टेशन के थ्रू भी सलाह दे सकते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकता है, ऐसे सिम्टम्स किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर को ही लगता है कि हाँ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, तो वो आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं ये सिर्फ वायरल सिम्टम्स हैं, तो वो कुछ नहीं करेंगे, अगेन घरेलू नुस्खे बताएंगे, फीवर के लिए पैरासिटामोल की दवाई बताएंगे
और अगेन आपको बताएंगे कि अगर कुछ और इनकी हालत में या फिर जो नॉर्मल कफ मेडिकेशंस होते हैं वो आपको बताएंगे, और कुछ और अगर हालत में कुछ और सुधार नहीं आता है तो वो आपको मिलने के लिए बुलाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट वो ज़रूर कर लें, जो भी परेशानी है डॉक्टर जो बताते हैं उसके बाद फिर वो दवाई लें। डॉक्टर, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अभी तक तो बड़ों से या फिर यूथ से या फिर पेरेंट्स से जो तमाम खबरें आ रही थी कि उनको बच्चों को भी कोविड हो रहा है, उनके संपर्क में आते हैं तो कोविड हो जाता है, लेकिन बच्चों से दूसरों में कोविड होने के कितने चांसेस हैं, बच्चों में कितना चांस है कि वो औरों को भी संक्रमित कर सकते हैं? बिल्कुल उतना ही चांसेस हैं जितना एक एडल्ट दूसरे एडल्ट को संक्रमित कर सकता है। ये बीमारी ऐसी है कि ये संक्रमण से हो रही है, एक दूसरे कांटेक्ट में आने से हो रही है। अगर बच्चा इन्फेक्टिव है तो वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सो ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा इन्फेक्ट हो गया तो ठीक है, अब वो किसी और को इन्फेक्ट नहीं करेगा। दे कैन इन्फेक्ट एडल्ट, दे कैन इन्फेक्ट अदर पीपल इन द हाउस एज वेल। सो अगेन जो प्रिकॉशंस हमें बच्चों के लिए लेनी है वो चाहे वो दूसरों को अगर ना फैलाएं, जो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं वो हमें बच्चों के लिए भी यूज करना है। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि बच्चों के लिए वो कौन सी लापरवाही है जो घातक साबित हो सकती है, फिर वो गलती जो वो उनको नहीं करनी है, किसी भी हालत में नहीं करनी है पेरेंट्स को बच्चों के लिए? सो देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है जो हम कहते हैं वॉक द टॉक। सो पेरेंट्स को सारे कोविड अवॉइडेंस बिहेवियर अपनाने हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से अपनाने हैं। बच्चा आपको इमिटेट करता है, बच्चा पेरेंट्स को देखता है, और जो पेरेंट्स कर रहे हैं वही बच्चा भी मेजरली करता है। सो अगर आप कोविड अवॉइडेंस बिहेवियर अपना रहे हैं, जो कि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, बहुत ही मजबूरी में अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो डबल मास्क का यूज कर रहे हैं, हाइजीन का ख्याल कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का ख्याल कर रहे हैं, तो आपका बच्चा भी आपको कॉपी करेगा और ख्याल करेगा। अगर आपसे चूक होगी तो आपके बच्चों से भी चूक होगी। तो हाँ, मेरा अभी आप सबको यही एडवाइस है कि कोई भी सोशल पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, सोशल फंक्शंस, मैरिड फंक्शंस अभी ना अटेंड किए जाएं। जितना जरूरी, अगर जरूरी ना हो तो घर पे ही रहें, बहुत ही अगर मजबूरी है तो ही घर से बाहर जाएं, और डबल मास्क पहने, अपने खान पान का ख्याल करें, हाइजीन का ख्याल करें, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल करें। अगर आप सेफ रहेंगे तो आपके घर में आपके बच्चे भी सेफ रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर, कोविड एप्रोप्रिएट। और जब पेरेंट्स को जैसे ही वो एलिजिबल हो तो वो अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि अभी बच्चों में अभी वैक्सीनेशन अभी हमारे देश में नहीं शुरू हुआ है, ट्रायल्स अभी हो रहे हैं, लेकिन एडल्ट्स के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो प्लीज गो एंड वैक्सीनेट योरसेल्फ। बिल्कुल, जो भी वैक्सीनेशन की कैटेगरी में आते हैं वो जाकर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि बच्चों में अभी वैक्सीन नहीं लग रहा, इसीलिए भी खतरा उनमें ज्यादा है, और ये तभी पॉसिबल होगा कि उन तक कोविड ना पहुंचे अगर पेरेंट्स या फिर जो यूथ हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं कि वैक्सीनेट हो पाए वो पहले वैक्सीन लगवा लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका तमाम जानकारियों के लिए, भी सुझाव देने के लिए, सलाह देने के लिए। बार बार डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि बच्चों को समझाइए, प्यार से उनको डराइए मत, क्योंकि घबराहट बहुत ज्यादा है, बच्चे डरे हुए भी हैं इस वक्त, क्योंकि लगातार खबरें ये चल रही है कि तीसरी वेव आएगी तो बच्चे इससे संक्रमित ज्यादा होंगे, लेकिन सावधानी बरतनी है, कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उनकी पालना लगातार करनी है। बार बार हम यही कह रहे हैं, सावधानी बरतनी है, बच्चों को सुरक्षित रखना है तीसरी वेव से। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है, रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।